नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं राधे कृष्ण डेयरी फार्म करनाल में हूं और इस डेयरी फार्म में मैं आपको आज कुछ पशुओं का रेट बताऊंगा कि किस कितने रेट तक की करनाल हरियाणा में पशु मिल जाती है, किस तरह की पशु मिल जाती है, परंतु जिस तरह का पशु चाहते हैं उस तरह की पशु उपलब्ध हो जाती है। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं पशु दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पशु को दिखाने वाला हूँ और अच्छी पशु सप्लाई भी करते हैं ये पशुपालक। तो आइए पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपका अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए मैं ऑनर से बात कराता हूँ और पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं रमेश सैनी, विलेज संघोई करनाल। अच्छा, और डेयरी फार्म का नाम बता देंगे, राधे कृष्ण डेयरी फार्म। अच्छा, तो अभी आप इस वीडियो में क्या दिखाने वाले, कौन सी गाय दिखाने वाले हैं? ये गाय है सेकंड ब्यात की है जी। अच्छा अच्छा, प्रेग्नेंट है क्या? प्रेग्नेंट है सेकंड ब्यात की है। सेकंड ब्यात के 15 दिन बच्चा देने मिलेगी। अच्छा अच्छा, इसके पहले इसका फर्स्ट ब्यात में कितना दूध था अंकल? फर्स्ट ब्यात में इसने दिया 20-22 लीटर दूध। अच्छा, हाँ जी, 20-22 लीटर इसने दूध दिया था। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी दांत में है, कितनी दांत में है अंकल? ये है चार दांत होगी, सेकंड की है, चार या छह दांत है। अच्छा, छह दांत होगी ये। अच्छा, सेकंड ब्यात की है। अच्छा, और अब की बार ये 25-26 लीटर दूध देगी। अच्छा, कैसे दूध वाली हम पहचानते हैं कि पशु दूध वाली है? बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना दूध वाली क्या है? तो ब्रीड का ध्यान रखना पड़ता है, पशु की बॉडी, पशु का अर्डर साइनिंग पूरा, मतलब पशु के मेन तो ब्रीड के ऊपर चलता है। अच्छा। और पशु के शरीर की बॉडी के ऊपर, पशु कितना मजबूत है, ताकतवर है, कमजोर है। अच्छा। सारा सिस्टम से ही दूध देता है पशु। अच्छा अच्छा, खाली ब्रीड होने से बात नहीं बनती, अगर केयर नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, बॉडी सही नहीं तो ब्रीड तो क्या करेगा? 20 लीटर वाली भी आ जाएगी 10 पे। बिल्कुल बिल्कुल, केयर भी बहुत जरूरी है, केयर भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही बात बताई। तो अंकल जी, इस पशु का कितना, मतलब आपने दाम रखा है, कितना में देंगे इस पशु का? इसको देंगे हम 75,000 में। 75,000 में देंगे ये। अब की बार 25-26 लीटर दूध बड़े आराम से देगी, सेकंड ब्यात की है। अच्छा, और ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे क्या ट्रांसपोर्टेशन उसी में, ट्रांसपोर्ट अलग से होता है? नहीं, ट्रांसपोर्ट अलग से, ट्रांसपोर्ट अलग से होता है, ट्रांसपोर्ट अलग से। कोई बंदा आपके यहाँ था तो फिर क्या एक ही दिन में लेके चला जाए, या वो रुकने की भी अपनी व्यवस्था रखते हैं? देखो, रुकने की हमारे पास व्यवस्था है, दो आदमी आए, चार आए, 10 आए, 15 आए, हमारे पास अपने रूम है। अच्छा अच्छा, रसोई लैट्रिन बाथरूम सब कंप्लीट है, उनको खाने पीने का रहन सहन का पूरा। अच्छा, उनका मतलब ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, अच्छा, ऐसे नहीं कोई किसी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर हम दूसरी वाली पे आते हैं अंकल जी, ये इसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, ये भी सेकंड ब्यात की है। अच्छा, और इसका भी फर्स्ट में 21-22 लीटर दूध रहा। अच्छा अच्छा, अब की बार ये 25-26 लीटर दूध देगी। अच्छा, और ये दांत भी 6 है। अच्छा, हाँ। तो आपने इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा ना, कौन इसका सीमन इसका की है? हाँ, ये मतलब सीमन की है, ये अपना HF है, क्रॉस ब्रीड। और इसमें कौन सी आपने सीमन डाल रखा है अभी? सीमन इसमें तो मतलब उसका डला है अपना, ये बोलते हैं इसको यार, F1 का आपने डाल रखा है। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी अब ये जानना चाहते हैं, जैसे इसका आपने कितना दाम रख रखा है? इसका दाम है 75,000 इसका भी, इसको 75,000, इसको हम 74,000 की भी दे देंगे। अच्छा, 74,000 मान सम्मान भी देंगे? हाँ हाँ, मान सम्मान कर देंगे। अच्छा, मौके पर जिस टाइम कस्टमर आता है। अच्छा, तो ये कोई लिखा नहीं होता। अच्छा, तो आने के बाद देखो 1,500-2,000 का करना पड़ता है। ये बात। अच्छा, ये बच्चे मतलब कि कितने दिन में दे देंगी ये? इसका समय अभी 15 दिन का, उसका भी 15 दिन का, इसका 15 दिन का। अच्छा, इसका 15। अभी इस ब्यात में कितना लीटर देगी दूध? अब इस ब्यात में कम से कम है 24-25 लीटर दे देगी। 24-25 लीटर बढ़ जाएगा, मतलब आ जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, दूध पे मतलब कितने दिनों के बाद पशु आ जाती है अंकल जी? दूध पे पूरा सही तो कंप्लीट 20 दिन में आता है। अच्छा, 20 दिन? हाँ, 4-5 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं पशु के बच्चा देने के बाद। अच्छा अच्छा, जैसे आज कुछ है, कल कुछ है, बढ़ता जाएगा तो 20-22 दिन पूरा क्लियर आ जाता है दूध पे। अच्छा, जितना उसने देना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। उसके बाद हम इस पे आते हैं अब अंकल जी, ये वाली के बारे में बताएंगे। इसका है जी अभी 1.5 महीने का समय। अच्छा, 1.5 महीने का समय है। हाँ, इसका। अच्छा, इसने फर्स्ट में 28-30 लीटर दूध दिया। अच्छा, 30 लीटर दूध? हाँ, 28-30 लीटर दूध इसने फर्स्ट में दिया। अब की बार ये 35-36 लीटर दूध देगी। अच्छा, हाँ जी, 35-36 लीटर का उम्मीद? 35-36 लीटर दूध अब की बार देगी। ये भी दूसरे में ही है? ये दूसरे में ही है जी। अच्छा, हाँ, ये दांत की 4 है। दांत की 4 है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना आपने इसका दाम रख रखा अंकल? इसका दाम है जी 95,000 रूपए। अच्छा, और अंकल जी एक चीज और जाना, जैसे बच्चा देने के बाद क्या खास ख्याल रखा जाता है? जैसे कि 20 दिन के बाद तो दूध पे आती है, तो उसके 20 दिन के अंतराल में क्या क्या आप ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा ये बता देंगे? देखो, ध्यान तो सारे रखना पड़ता है, सारी पूरे मतलब पशु का पूरे साल ही ध्यान रखना होता है जब तक पशु दूध देता है। पर फिर भी बच्चा देने के बाद जो 10-12 दिन होते हैं, ज्यादा ध्यान देने के होते हैं, अभी पशु कैल्शियम ना तोड़े,
पशु को दूध निकालने में सारा सिस्टम देखना पड़ता है जी जी जी, क्योंकि जैसे बच्चा दिया छोटा बच्चा होता है और पशु का एक कच्चा शरीर होता है, खान पान का हर एक चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, भाई समय पर खाना दें, हल्का चारा दें, ज्यादा राशन न डाले एकदम, जैसे बच्चा दे दिया एकदम ज्यादा राशन डाल दिया पशु बीमार हो जाएगा, उसको हल्का चारा दें, हल्का राशन दें, ऐसा ऐसा बढ़ाए जैसे जैसे दूध बढ़ता जाएगा, अगर हम एकदम ज्यादा राशन डाल देंगे तो पशु बीमार पड़ जाएगा। हाँ। तो राशन ड्राई देंगे कैसे देते हैं उससे? नहीं, दूध वाला राशन देंगे, दूध वाला ही राशन। हाँ, शुरू में हल्का राशन देंगे, जैसे बनोला खल होगी, चने की चूरी होगी, चोकर हो गया, आठ दस दिन ऐसे देंगे, दस दिन के बाद फिर फीड शुरू कर देंगे। अच्छा, फीड ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएंगे, शुरू में करेंगे 4 किलो फीड, 5 किलो, 6 किलो, और बाद में जब 15-20 दिन को हो जाएगा फिर 8 किलो फीड पे ले जाएंगे, उस समय दूध पूरा कर लेगी। अब ये इसके बारे में बताएंगे अंकल जी क्या है? ये सेकंड ब्यात की है। अच्छा अच्छा, इसने फर्स्ट में ही दूध दिया 38 लीटर। अच्छा हाँ, फर्स्ट में 38 लीटर दिया, और ये सेकंड की है, 6 दांत है। अच्छा अच्छा, अभी इसका 1 महीना पूरा बच्चा देने का है। अच्छा, 1 महीना। हाँ, अब की बार ये 40-42 लीटर दूध देगी। अच्छा, सेकंड 40-42 लीटर। हाँ, की उम्मीद है आपने, अच्छी केयर करी तो 45 भी देख पर 40-42 तो देगी मतलब। तो जैसे 40-45 है तो इसको अच्छी केयर में मतलब क्या कितना राशन देंगे? इसको कम से कम 10 किलो राशन देंगे। 10 किलो राशन, हरा चारा 10 किलो राशन देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे, कैल्शियम देंगे, और ये सब चीजों का ध्यान रख के राशन। उसके बाद हरा चारा कितना देंगे अंकल? हरा चारा 10-15 किलो, और साइलेज अगर उपलब्ध होता है? साइलेज भी देंगे इसको, 5-6 किलो साइलेज। अच्छा अच्छा, और 2 किलो भूसा, और 10-15 किलो हरा चारा, और 10 किलो फीड। अच्छा, ये इसका पूरे दिन का राशन है। तो अंकल जी अब एक चीज और बताएंगे, इसका कितना आपने दाम रख रखा है? इसका दाम रखे हमने 120, ट्रांसपोर्ट छोड़ के ना? ट्रांसपोर्ट छोड़ के जी। हम थोड़ा सा अब ये जानना चाहते हैं, जैसे कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करता है जी जी, तो कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको आना होगा या वीडियो भेजते हैं देखने के लिए? कॉन्टैक्ट करने के लिए आना आ भी जाते हैं और वीडियो पे मंगा लेते हैं। अच्छा, वीडियो वो तो देखो उसकी अपनी संतुष्टि है, पर हम तो ये कहें भाई आके ले लो, बेहतर। अगर बाई चांस में नहीं आ पाए तो हम उनकी पूरी संतुष्टि करेंगे, दूध निकाल के दिखाएंगे, तसल्ली करके दिखाएंगे, जैसे लोडिंग करेंगे हर एक जानवर की फोटो उसके पास वीडियो भेजेंगे, लोडिंग करते समय वीडियो भेजेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना रहे उसके मन में, क्योंकि उसने हमारे पास पैसा भेजा और इधर से हम पशु भेज रहे तो उसकी संतुष्टि भी जरूरी है। तो जैसे आप बताएंगे अंकल जी एक चीज और, पशु आप लोड करा देंगे जी, लोड कराने के बाद फिर आपको कागज वगैरह की जैसे बीच में दिक्कत होती है, जैसे हमारे कोई बंदा बिहार से कांटेक्ट करता है, यूपी से कांटेक्ट करता जी, है जी, जी। गुजरात में, तो कागज वगैरह में क्या मतलब दिक्कत होंगी नहीं होती? देखो, है ऐसा है जी, हम यहाँ से कागज कंप्लीट बनवा के भेजते हैं। अच्छा अच्छा, हर एक गाय को टैगिंग होगा। अच्छा, गाय की फोटो लगाएंगे उसमें। अच्छा अच्छा, और कोर्ट का एफिडेविट। अच्छा, और अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, डॉक्टर जो वीएस होता है एरिया का वीएस, उससे सर्टिफिकेट बनवाएंगे इसका। अच्छा, हेल्थ का। अच्छा, और डिप्टी डायरेक्टर से इसकी परमिशन लेंगे। अच्छा, परमिट बनवा के गाड़ी के कागज, ड्राइवर का लाइसेंस, आरसी गाड़ी की, ये सब कंप्लीट करके, अपनी डायरी की रसीद, ये सारे कागज कंप्लीट करके हम गाड़ी लोड करते हैं। उसको जो भी कोई रोकेगा हम वो कागज दिखाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंकल, अगर कोई दिक्कत भी करेगा तो हम हमारे पास फोन आएगा, हम उसको जवाबदारी करेंगे। अच्छा अच्छा, ये गाय हमारे फार्म से गई, हमने भेजी, और ऐसे ऐसे पशु हैं, इनको आप जाने दो, इनके कागज आप चेक करो। तो अंकल जी अभी तो मैं आपके पास 4 ही देख पा रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे अगर 10 की जरूरत हो, 15 की जरूरत हो तो क्या मिल जाएंगी? देखो ऐसा है जी, हमारे पास चाहे कोई 10 का ऑर्डर करे, 5 का ऑर्डर करे, 15 का ऑर्डर करे, 20 का ऑर्डर करे, जितनी भी किसी जरूरत है उतनी हम पूर्ति करेंगे। अच्छा अच्छा, हमारे पास 20 भी हो जाती है, 30 भी होती है, 40 भी हो जाती है। अच्छा, 40-40 तक? हाँ, 50-50 पशु भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसा डिमांड के अनुसार, जैसे जरूरत होती है, हम जैसा भी कोई पशु मांगेगा वैसे उसकी पूर्ति करके देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब एक दिन में आप जितना पशु डिमांड आ, एक दिन में अगर बाई चांस ना भी हो पाए तो जो भी किसान हमारे पास आएगा उसके रहने के लिए अच्छा स्थान, खाना पीना सब हमारी जिम्मेवारी है, रहने की जगह भी है, खाना पीना सब उसको आदरमान से देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उसको ये नहीं होगा भी मैं कहीं बाहर आ गया, मैं कहाँ रहूँ, कैसे रहूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सब जगह का इंतजाम बहुत बढ़िया है जी। हाँ, और किसान को जैसे भी पशु की जरूरत पड़ेगी वैसे हम उसकी डिमांड पूरी करेंगे, और कम से कम रेट में कम से कम करके उसको देंगे। चलिए अंकल जी, आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे किसानों को, पशुपालकों को अच्छी पशु दे रहे हैं, आपको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।